हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हेमंत और पब्लिक गाइड टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। दिस इज़ ए न्यू ताज होटल एंड दिस इज़ ए ओल्ड ताज होटल। और यहां से मैं एलिफेंटा केव्स जा रहा हूं, जिसका आने जाने का टिकट 200 रुपीज़ पर पर्सन है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको एलिफेंटा केव्स की पूरी कहानी विस्तार से बताने वाला हूँ। ये सामने गेटवे ऑफ इंडिया है और यहाँ से एलिफेंटा केव्स जाने के लिए हमें लगभग शिप में 1 घंटा जरूर लगेगा। अभी हम थोड़ी देर में एलिफेंटा केव्स पहुंचने वाले हैं और यहां से लगभग 1 किलोमीटर का पैदल रास्ता है। अगर आप पैदल नहीं चल सकते तो आप यहां की ट्रेन से सफर कर सकते हैं, जिसका आने जाने का टिकट 50 रुपीज़ पर पर्सन है। और आपको पूरे रास्ते में यहां पर काफ़ी दुकानें मिलेगी जहां से आप शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ से आपको पैदल खड़ी सीढ़ियों से होकर जाना होगा और जो लोग पैदल नहीं चल सकते वो पालकी के थ्रू जा सकते हैं। एलिफेंटा केव्स मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थल है, जो अपनी कलात्मक गुफाओं के कारण बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर कुल 7 गुफाएं हैं। मुख्य गुफा में 26 स्तंभ है, जिसमें शिव भगवान को कई रूपों में दर्शाया गया है। पहाड़ियों को काटकर बनाई गई ये मूर्तियाँ दक्षिण भारतीय मूर्तिकला से प्रेरित है। इसका जो ऐतिहासिक नाम है वो धारपुरी है। एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों द्वारा यहां पर बने पत्थर के हाथी के कारण दिया गया था। पहले एलिफेंटा द्वीप को पुरी या पुरिका के नाम से जाना जाता था। उस समय यह क्षेत्र कोकन मौर्या की राजधानी थी, जिनका शासनकाल 6वीं शताब्दी के आसपास था। इस गुफा का उल्लेख पुर्तगालियों ने भी किया है। 16वीं सदी में इस क्षेत्र को पुरी के नाम से जाना जाता था और मुंबई तट पर बसने वाले पुर्तगालियों का इस क्षेत्र पर अधिकार था। इस द्वीप पर हाथी की एक विशाल मूर्ति स्थित थी, इसलिए पुर्तगालियों ने इस द्वीप का नाम एलिफेंटा रखा था। यहाँ पर कुल 7 गुफाएं हैं, जिसमें से 5 गुफाएं हिंदू धर्म की है और 2 गुफाएं जैन धर्म की है। यहाँ पर हिंदू धर्म के देवी देवताओं की अनेक मूर्तियाँ हैं। यह मंदिर पहाड़ियों को काटकर बनाए हैं। यहाँ की जो मुख्य गुफा है उसमें 26 स्तंभ है, जिसमें भगवान शिव को अनेक रूपों में दर्शाया गया है। यहाँ भगवान शिव की 9 मूर्तियां हैं, जो कि उनके विभिन्न रूपों को दर्शाती है। इनमें शिव की त्रिमूर्ति प्रतिमा सबसे आकर्षित है। यह मूर्ति 23 फीट लंबी और 17 फीट ऊंची है। इस मूर्ति में भगवान शिव के 3 रूपों का चित्रण किया गया है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। दूसरी मूर्ति शिव की पंचमेश्वर रूप की है,
जिसमें शांति तथा सौम्या का वर्णन किया गया है। यहाँ पर भगवान शिव के तांडव नृत्य को भी दर्शाया गया है और यहाँ पर शिव एवं पार्वती के विवाह को भी चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ से स्थानीय मराठी लोगों ने इस द्वीप को धारपुरी के रूप में लोकप्रिय किया, लेकिन सन 1534 में पुर्तगालियों ने गुजरात सल्तनत से जमीन लेने के बाद ये एलिफेंटा आम बोलचाल में हो गया और इसका नामकरण बड़े पैमाने पर एक रॉक कट एलिफेंट स्टैचू के नाम पर किया गया जो समुद्र के ऊपर प्रहरी थे। उपनिवेशवादियों ने अपनी नावों को डॉक करने के लिए और अरब सागर पर अन्य छोटे द्वीपों के अलावा इसे बनाने के लिए एक मील के पत्थर के रूप में संरचना की पहचान की थी। हालांकि अब आप इस अखंड हाथी की मूर्ति को नहीं ढूंढ सकते क्योंकि यह मूर्ति इंग्लैंड ले जाने के प्रयास में क्षतिग्रस्त हो गई थी। सन 1914 में यह कैडल और हैवेट द्वारा फिर से इकट्ठा किया गया था और मुंबई के बायोकुला में एक चिड़ियाघर में रखा गया था जहाँ पर आज यह खड़ा है। अगर हम पहली गुफा की बात करें तो इसकी जो वास्तुकला है एक विशेष विशिष्ट मठ से ली गई है जिसमें एक केंद्रीय दरबार और कई स्तंभ है। इस मंदिर में भगवान शिव की बड़े आकार की मूर्तियों को दर्शाया गया है जिसमें शिव की त्रिमूर्ति सबसे आकर्षित करने वाली है। त्रिमूर्ति के दाईं ओर शिव का एक और चित्रण है। शिव को मानव जाति की सेवा करने के लिए स्वर्ग से गंगा को नीचे लाते हुए दिखाया गया है जबकि देवी पार्वती उनके बगल में खड़ी दिखती है। त्रिमूर्ति के पूर्व में अर्धनारेश्वर की नकाशी एक जीर्ण अवस्था में है। यह शिव और पार्वती के एकीकरण को दर्शाती है। अगर गुफा नंबर दो की बात करें तो सन 1970 में गुफा नंबर दो को नष्ट कर दिया गया था और इसे बहाल किया गया था। इसमें चार वर्ग खंभे और दो छोटी कोशिकाएं हैं। खंभे की आड़ और आंतरिक कक्षों के साथ मंडप वास्तुकला विरासत पर नंबर तीन गुफा का वहन करती है। ऐसा माना जाता है कि मध्य द्वार में एक क्षतिग्रस्त मंदिर है जो शिव भगवान का माना जाता है। जो चौथे नंबर की गुफा है वो खंभे के बरामदे से एक परे एक खंडर अवस्था में है। हालांकि ऐसी संरचना के पीछे मंदिर में एक लिंगम है। पाँचवें नंबर की गुफा बस इतिहास में किसी भी सिद्धांत का कोई संदर्भ नहीं है। गुफा नंबर वन से पूर्वी पहाड़ी पर गुफा नंबर छः को सीताबाई गुफा मंदिर भी कहा जाता है। पोर्च में चार खंभे, तीन कक्ष और एक केंद्रीय मंदिर है। गुफा में बने रहने के समय से कोई अलंकरण उस पर खुदी हुई कुछ शेर की आकृतियां है। गुफा नंबर छः ऐतिहासिक रूप से पुर्तगाली शासन के दौरान एक चर्च के रूप में इसके रूपांतरण और उपयोग के कारण काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम गुफा नंबर सात की बात करें तो एक छोटे से बरामदे के लिए ही बना है जिसमें तीन कक्ष है। गुफा नंबर सात से आगे का सूखा तालाब बोध तटों के किनारे होने के कारण बोध तालाब था। गड्ढे के करीब एक विशाल टीला है जिसे स्तूप के रूप में पहचाना जाता है जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है। एलिफेंटा केव्स में घूमने का जो टाइम है वो सुबह 9:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक का है। पहला घाट सुबह 9 बजे गेटवे ऑफ इंडिया से निकलता है और लगभग 1 घंटे में आपको एलिफेंटा आइलैंड पर ले जाता है। एलिफेंटा के लिए गेटवे ऑफ इंडिया से हर आधे घंटे में एक फेरी निकलती है और लास्ट फेरी 2 बजे रवाना होती है। पहली नौका दोपहर 12 बजे एलिफेंटा से लौटती है और आखिरी शाम को 5:30 बजे। वापसी की नौका हर आधे घंटे में चलती रहती है। जब आप गेटवे ऑफ इंडिया से एक नौका पर चढ़ते हैं तो ध्यान रखें कि 1 घंटे की नौका की सवारी के बाद आपके पास गुफाओं की साइट तक 30 मिनट का ट्रैक है। एलिफेंटा केव्स में घूमने का जो टाइम है वो सुबह 9:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक का है। पहला घाट सुबह 9 बजे गेटवे ऑफ इंडिया से निकलता है और लगभग 1 घंटे में आपको एलिफेंटा आइलैंड पर ले जाता है। एलिफेंटा के लिए गेटवे ऑफ इंडिया से हर आधे घंटे में एक फेरी निकलती है और लास्ट फेरी 2 बजे रवाना होती है। मुंबई, पूरा मुंबई घूम लिया, मजा आ गया भाई। आज हम गए थे एलिफेंटा, लोकेशन देखिए पूरी। इस टाइम हम लोग एलिफेंटा बीच पर घूम कर आए। You started out to face it, my heart went off like crazy. You placed your arms on my head, we fell into my small bed. You started out to face it, my heart went off like crazy. I thought about this again, we were about to make it.
पहली नौका दोपहर 12 बजे एलिफेंटा से लौटती है और आखिरी शाम को 5:30 बजे। वापसी की नौका हर आधे घंटे में चलती रहती है। जब आप गेटवे ऑफ इंडिया से एक नौका पर चढ़ते हैं तो ध्यान रखिए कि एक घंटे की सवारी के बाद आपके पास गुफाओं की साइट तक 30 मिनट का ट्रैक है और एलिफेंटा केव्स घूमने के लिए लगभग 2 घंटे का समय लग जाता है। तो आप अपनी यात्रा की योजना इस तरह से बनाएं कि आप आखिरी नाव से मुंबई वापस आ जाएं। रात के समय मुंबई के ताज होटल का नज़ारा कुछ अलग ही दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।